हेलो एवरीवन। सो अब हम देखते हैं कि स्टमक कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टमक कैंसर जो होता है ना, उसको गैस्ट्रिक कैंसर भी बोला जाता है। इसलिए अगर गैस्ट्रिक कैंसर स्टमक कैंसर आता है, दोनों सेम ही होगा। आपको यही सेम लिखना है। मैं शॉर्ट में आपको ये पूरा बताऊंगी, अगर आप पॉज करके देख सकते हैं ब्रीफ में। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आपको इजी लैंग्वेज में जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है मैं उसको बताऊंगी शॉर्टकट करके। ठीक है, ताकि आपको ब्रीफली समझ आ जाए चीज़ें। देखिए, स्टमक कैंसर ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, ये क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है, जब जो स्टमक के जो सेल्स होते हैं ना, जब वो एबनॉर्मल ग्रो होने लगते हैं, या फिर जो उनका जो ग्रोथ होता है ना, वो एक जैसे एक लिमिट होती है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतना ही खाना खाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को खाना खिला दें या खा लें तो क्या होगा, स्टमक एक होता है, ठीक है, या वॉमिट जैसा होगा। तो सेम केस इसमें भी है। तो जब सेल्स या तो एबनॉर्मल ग्रो होने लगे, या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, लाइक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसे कहते हैं। अगर अनकंट्रोलेबल हो जाए तो नहीं, तो उसके वजह से जो होता है ना, वो स्टमक कैंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो टाइप का होता है। देखो, एक तो होता है बेनिग्नाइट, एक मेलिग्नेंट। तो ये जो बेनाइग्न हो गया ना, वो कैंसीरियस नहीं होता है, लाइक वो दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है। बट जो मेलिग्नेंट होता है, वो दूसरे पार्ट में, दूसरे सेल्स में, दूसरे टिश्यू में, दूसरे ऑर्गन्स में जो होता है, वो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो उसे कहते हैं मेलिग्नेंट, या मेलिग्नेंसी आपने टर्म सुना होगा बहुत बार। ठीक है, तो अगर अनकंट्रोल हो जाए वो सेल्स, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि वो जो सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे एबनॉर्मल जो होता है, एबनॉर्मल फंक्शंस करने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक 85% कॉजेस गैस्ट्रिक कैंसर क्या है, उनके 40% क्या है, 15%, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, मेन डेफिनेशन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अगर कर देते हैं तो अच्छा है, यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट। कैंसर कैन बिगिन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, ये जो कैंसर है, क्योंकि हम स्टमक कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कैंसर और भी ऑर्गन्स में हो सकता है, तो वो अलग है। तो इसलिए अगर हम स्टमक का पढ़ रहे हैं तो हम वो चीज़ पहले देखते हैं। स्टमक से स्टार्ट होगा, स्टमक के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है, किसी भी एरिया में, और वो स्प्रेड होगा नियर बाय, कहाँ, लिम्फ नोड्स एंड अदर एरिया। तो उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अदर ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर, बोन्स, लंग्स, ठीक है, एंड वुमेन्स ओवरीज। ठीक है, वुमेन्स में ओवेरियन कैंसर होता है, बहुत डिफरेंट। बट ये अगर कैंसर बहुत ज़्यादा, मतलब जो सेल्स हैं, वो जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वो अगर बढ़ने लगे तो अदर जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है। सो अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। सी, तो रिस्क फैक्टर आता है इन्फेक्शन विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर, ठीक है। इस बैक्टीरिया, अगर हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना, पेट में अगर क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसके वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है उनको, तो वो उन चीज़ों के वजह से भी अगर बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो उस चीज़ के वजह से भी हो सकता है। तो दैट इज़ हेलिकोबैक्टर, ठीक। प्रॉपर डाइट नहीं लेने के वजह से, स्मोक्ड या फिर सॉल्टेड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोक्ड फिश के वजह से हो सकता है, मीट, वेजिटेबल्स, आप ये लिख सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है, पिकल वेजिटेबल्स हो गया, हाई कंजप्शन, लाइक रेड मीट, या फिर रेड मीट मोर देन 13 times पर वीक। एक तो क्या होता है ना कि रेड मीट से बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं होने के। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, देन प्रिजर्व स्टमक, अगर कोई स्टमक सर्जरी हुई है पहले, ठीक है, और रिमूवल ऑफ स्टमक टिश्यू इन पेशेंट विद अल्सर्स सच एज, क्या होता है अगर स्टमक, मान लीजिए कि अगर कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सर्जरी के टाइम के बाद, क्योंकि जस्ट सर्जरी हुआ है, तो वो वूंड जो है वो उतना हील नहीं हुआ होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर प्रॉपर इंसिजन नहीं हुआ है, ठीक है, प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है अभी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा आ जाता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है, परनीशियस एनीमिया वगैरह हो सकता है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड टाइप है, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, आप कोई भी 6-7 मेंशन करेंगे दैट विल बी ओके। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, हेरिडिटरी, लाइक पेरेंट्स से अगर हुआ है या किसी को है, तो उसके भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
ठीक। नेक्स्ट आता है अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक कैंसर, स्टमक पॉलिप्स, ओबेसिटी, एज, जेंडर, ये सब। तो एज में क्या है, अगर ओवर 55 से ज़्यादा, सॉरी, अगर कोई है एज की, ठीक है, मान लीजिए ओल्ड एज, हमने पीछे पढ़ा लाइक गैस्ट्राइटिस वगैरह हो जाता है, या फिर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, और स्टमक कैंसर है, ये सारे प्रॉब्लम्स मोस्टली जो है ओल्ड एज पीपल को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया होता है। एज एज इंक्रीजेस क्या होता है, एडल्ट के बाद जो ओल्ड एज टाइम होता है उसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम और बाकी बहुत सारे बॉडी फंक्शन जो है वो रिड्यूस होने लगते हैं, इसीलिए जो है डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत छोटे बच्चों का भी बहुत इम्यून वीक होता है स्टार्टिंग में, तो उनको और ओल्ड एज हम क्या कंसीडर करते हैं टाइप के, कि वो बराबर होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है तो इन्फेक्शन होने के बहुत जल्दी चांस होते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पे आप स्टेज देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या है, 0 जब वो जस्ट इनर स्टमक में जस्ट बिगिन हुआ है, ठीक है, अभी होना स्टार्ट हुआ है कैंसर। और स्टेज 1 में क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की जो आउटर लेयर है वहाँ तक अगर कैंसर पहुँच गया है और नियर बाय लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या है, प्रोग्रेस फर्दर टिश्यू लेयर, अगर फर्दर वो टिश्यू लेयर को अफेक्ट करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, अगर स्टमक के जितने भी लेयर्स हैं स्टमक के और डिस्टल उसके आसपास के जितने भी लिम्फ नोड है अगर उसको अफेक्ट करने लग गया, ठीक है, तो वो होता है स्टेज 3। स्टेज 4 वो होता है जिसमें उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, उसको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे, तो वो हो जाता है स्टेज 4। एंड रिकरेंट क्या हो जाता है, पेशेंट विद प्रीवियस गैस्ट्रिक कैंसर वॉज कैंसर फ्री बट कैंसर रिटर्न। क्या होता है, पहले अगर उसे हुआ है, ट्रीटमेंट होने के बाद कैंसर फ्री हो गया है, बट अगेन उसे दोबारा से वो कैंसर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकरेंट। री मीन्स अगेन एंड करेंट मीन्स दैट काइंड ऑफ अटैक। दोबारा से अगर उसे हुआ है कैंसर ख़त्म होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद, ऑलरेडी एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकरेंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, यहाँ पे आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं, डिस्कम्फर्ट और पेन इन द स्टमक एरिया। क्या बताता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फिटीक, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, जो भी हमने पढ़ा।